कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक कोई होगा एक आ, कोई होगी होगा जो भी है बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत आपने एक हम लोग पचास साठ साठ दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं फिर फिर तो मेरे सहयोगी बहुत अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि यू नो एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉडियल हैं तो ऐसी ऐसी कमी नहीं है लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है जो कि बदमाश कंपनी है और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे अब चलिए अब मैं कुछ राहुल गांधी आपका फेवरेट टॉपिक उस पर सवाल पूछ लेता हूँ राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था मैं आपको सुनवा देता हूँ वो बाइट सुनते हैं राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है क्यों आता है आपको तरस <laughs> मुझे मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं मैंने वो नज़ारा देखा था वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है फिर जाके ऐसे आंख मार दी क्या मतलब वो एक कार्टून यार कमाल यार मुझे हंसी आती है मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब अब संसद में आपके साथ बैठते हैं आपके विचार जी संसद आते हैं, उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल और जिस तरह वो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा तो हम क्या कर सकते हैं और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने खुद को कहेंगे मैं शिवजी की बारात हूँ और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं और सबसे उनका जो जैसे हम स्कूल में होता है ना स्कूल में कहते हैं ना ओ पीछे देख पीछे देख ऐसे करके तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना तो वो हमेशा उनको ओ oh, पीछे देख अपने पीछे देख ऐसे ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके well जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं जो वेल रहता है उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले से ना सूख जाए पहले तुम लोग पानी पी लो तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि ये इनकी स्ट्रेटजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिलम चिल्ली करके जो है उसको तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप और अभी भी ही नीड्स टू ग्रो अप ही इज 50 प्लस आप कह रहे हैं ही नीड्स टू ग्रो अप बट और आपने तो कह दिया वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए आपने बयान दिया ये अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे हो गया वो एक ही एक तक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं तो आई डोंट नो ही जस्ट ब्लैक्स आउट वो कंसंट्रेशन हो उनका यार अब मुझे नहीं पता मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट और अब भी उन्होंने बाहर जाके अगर आप देखें जिस तरह से uh, मतलब क्या मैं कहूँ एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कि, कहा कि महिलाओं को जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो जिनका कोई लॉजिक नहीं है हर, और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते गुरुद्वारा नहीं जा सकते मतलब कोई कोई सरपैर ही नहीं किस बात का जैसे एक छोटा बच्चा जाके ओ, जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला उस तरह की बातें वो करते हैं कोई मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सरपैर अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे बाहर जो है किसी तरीके की सिंपत्ति लेना चाहते थे तो ये उनकी वोकेबलरीरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो ये ये इस तरह के सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया उस उसपे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में बीजेपी की सरकार में उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर एक आतंकी है तो वो राहुल गांधी है ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं देखिए उन्होंने खैर उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स यू नो हम हम लोग क्या हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो यू नो ऐसे भी लोग होते हैं तो हमारा जो देश है अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो उसकी बातें हो अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए चाहे वो आज मैं कहना मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ क्या वो भिंडन वाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं क्या वो उसको टेररिस्ट मान अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लू अगर वो इंसान में बड़े अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को जिसको वो दादी कहते हैं जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था एक बूढ़ी औरत को तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए वो तो एक गोली से भी मर सकती थी वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे आई टेक ऑल माई वर्ड बैक मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे ही इज 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 अ अ वेरी डेंजरस डेंजरस पर्सन पर्सन बिकॉज राहुल गांधी है पार्लियामेंट के अंदर आप कह रही डेंजरस है हैं। क्यों मैं आप जहरीले भी उनको कह चुकी है पहले क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं हुड़दंग मचाने लग लग जाते 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 हैं 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 वो लोग उछलने लग जाते हैं। सामने आ राक्षसों की तरह ऊपर नीचे चिल्लम -चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये अपने सम... और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते वो कहते हैं, क्या हो रहा है ये बात नहीं करने देते तो क्या लगता है आपको ये क्या है अच्छा कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से आ, नहीं ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं उनको समझते हैं उनमें जो समझ संसद में आपका कोई कोई संवाद हुआ उनके साथ बातचीत हुई जी नहीं बिल्कुल नहीं तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आप हाँ हाँ कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है और मुझे लगता है कि कांग्रेस आल्सो डिजर्व्स अ बेटर बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये जो फैमिली है इसने जो थोपा हुआ है यू you नो know, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से जंजीरों से हम बाहर निकले और इसका मैंने uh, हमेशा से ही बहिष्कार किया चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आप, नहीं हूँ कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटीरियल आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी देखिए ये जो फैमिली है इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं हमें परेशान कर रहे हैं और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है कहीं ना कहीं तो कमी में भी है सारी कमी उनमें नहीं है में भी कुछ ना कुछ तो कमी है जी लेकिन